भगवाने नमः। यथार्थ गीता श्रीमद् भगवत गीता अथ षोडशो अध्यायः। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के प्रश्न प्रस्तुत करने की अपनी विशिष्ट शैली है। पहले वे प्रकरण की विशेषताओं का उल्लेख करते हैं जिससे पुरुष उसकी ओर आकर्षित हो, तत्पश्चात वे उस प्रकरण को स्पष्ट करते हैं। उदाहरण के लिए कर्म को ले, उन्होंने दूसरे अध्याय में ही प्रेरणा दी कि अर्जुन कर्म कर। तीसरे अध्याय में उन्होंने इंगित किया कि निर्धारित कर्म कर। निर्धारित कर्म है क्या? तो बताया यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। फिर उन्होंने यज्ञ का स्वरूप न बताकर पहले बताया कि यज्ञ आया कहां से और देता क्या है। चौथे अध्याय में 13-14 विधियों से यज्ञ का स्वरूप स्पष्ट किया जिसको करना कर्म है। यहां कर्म स्पष्ट होता है जिसका शुद्ध अर्थ है योग चिंतन आराधना, जो मन और इंद्रियों की क्रिया से संपन्न होता है। इसी प्रकार उन्होंने अध्याय 9 में दैवी और आसुरी संपद का नाम लिया, उसकी विशेषताओं पर बल दिया कि अर्जुन आसुरी स्वभाव वाले मुझे तुच्छ कहकर पुकारते हैं, हूं तो मैं भी मनुष्य शरीर के आधार वाला, क्योंकि मनुष्य शरीर में ही मुझे यह स्थिति मिली है, किंतु आसुरी स्वभाव वाले मूढ़ स्वभाव वाले मुझे नहीं भजते, जबकि दैवी संपद से युक्त भक्तजन अनन्य श्रद्धा से मुझे उपासते हैं, किंतु इन संपत्तियों का स्वरूप उनका गठन अभी तक नहीं बताया गया। अब अध्याय 16 में योगेश्वर उनका स्वरूप स्पष्ट करने जा रहे हैं, जिनमें प्रस्तुत है पहले दैवी संपद के लक्षण। श्री भगवान वाच। अभयं सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की शुद्धता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान में दृढ़ स्थिति अथवा निरंतर लगन, सर्वस्व का समर्पण, इंद्रियों का भली प्रकार दमन, यज्ञ का आचरण, जैसा स्वयं श्री कृष्ण ने अध्याय 4 में बताया है, संयमाग्नि में हवन, इंद्रियाग्नि में हवन, प्राण अपान में हवन और अंत में ज्ञानाग्नि में हवन, अर्थात आराधना की प्रक्रिया जो केवल मन और इंद्रियों की अंतरक्रिया से संपन्न होती है, तिल जौ वेदी इत्यादि सामग्रियों से होने वाले यज्ञ का इस गीतोक्त यज्ञ से कोई संबंध नहीं है। श्री कृष्ण ने ऐसे किसी कर्म कांड को यज्ञ नहीं माना। स्वाध्याय अर्थात स्वस्वरूप की ओर अग्रसर कराने वाला अध्ययन। तप अर्थात मन सहित इंद्रियों को इष्ट के अनुरूप ढालना, तथा आर्जवम शरीर और इंद्रियों सहित अंतःकरण की सरलता। अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेश्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् रीरचापलम्। अहिंसा अर्थात आत्मा का उद्धार, आत्मा को अधोगति में पहुंचाना ही हिंसा है। श्री कृष्ण कहते हैं यदि मैं सावधान होकर कर्म में न बरतूं तो इन संपूर्ण प्रजा का हनन करने वाला और वर्ण संकर का कर्ता हूं। आत्मा का शुद्ध वर्ण है परमात्मा, उसका प्रकृति में भटकना वर्ण संकर है, आत्मा की हिंसा है और आत्मा का उद्धार ही अहिंसा है। सत्य सत्य का अर्थ यथार्थ और प्रिय भाषण नहीं है। आप कहते हैं
ये वस्त्र हमारा है, तो क्या आप सच बोलते हैं? इससे बड़ा झूठ और क्या होगा? जब शरीर आपका नहीं है, नश्वर है, तो इसे ढांकने का वस्त्र कब आपका है? वस्तुतः सत्य का स्वरूप योगेश्वर ने स्वयं बताया है कि अर्जुन, सत्य वस्तु का तीनों कालों में कभी अभाव नहीं है। ये आत्मा ही सत्य है, यही परम सत्य है। इस सत्य पर दृष्टि रखना, क्रोध का न होना, सर्वस्व का समर्पण, शुभाशुभ कर्म फलों का त्याग, चित्त की चंचलता का सर्वथा अभाव, लक्ष्य के विपरीत निंदित कार्यों को न करना, संपूर्ण प्राणियों में दया भाव, इंद्रियों का विषयों से संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का अभाव, कोमलता, अपने लक्ष्य से विमुख होने में लज्जा, व्यर्थ की चेष्टाओं का अभाव तथा तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीं अभिजातस्य भारत। तेज जो एकमात्र ईश्वर में है, उसके तेज से जो कार्य करता है, महात्मा बुद्ध की दृष्टि पड़ते ही अंगुली माल के विचार बदल गए। ये उस तेज का ही परिणाम था जिससे कल्याण का सृजन होता है, जो बुद्ध में था। क्षमा, धैर्य, शुद्धि, किसी में शत्रु भाव का न होना, अपने में पूज्यता के भाव का सर्वथा अभाव, ये सब तो हे अर्जुन दैवी संपद को प्राप्त पुरुष के लक्षण है। इस प्रकार कुल 26 लक्षण बताए, जो सब के सब तो साधना में परिपक्व अवस्था वाले पुरुष में संभव है और आंशिक रूप में आप में भी निश्चित है, तथा आसुरी संपद से आप्लावित मनुष्यों में भी ये गुण है, किंतु प्रसुप्त रहते हैं, तभी तो घोर पापी को भी कल्याण का अधिकार है। अब आसुरी संपद के प्रमुख लक्षण बताते हैं। दम्भो दर्पो भिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरी। हे पार्थ, पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोर वाणी और अज्ञान, ये सब आसुरी संपद को प्राप्त पुरुष के लक्षण हैं। दोनों संपदाओं का कार्य क्या है? दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता माशुच संपदं दैवी अभिजातोसि पांडव। इन दोनों प्रकार की संपदाओं में से दैवी संपद तो विमोक्षाय विशेष मोक्ष के लिए है और आसुरी संपदा बंधन के लिए मानी गई है। हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि दैवी संपदा को प्राप्त हुआ है, विशेष मुक्ति को प्राप्त होगा, अर्थात मुझे प्राप्त होगा। वे संपदाएं रहती कहां है? द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरश प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों के स्वभाव दो प्रकार के होते हैं, देवों के जैसा और असुरों के जैसा। जब हृदय में दैवी संपद कार्य रूप ले लेती है तो मनुष्य ही देवता है, और जब आसुरी संपद का बाहुल्य हो तो मनुष्य ही असुर है। सृष्टि में ये दो ही जातियां हैं, वो चाहे अरब में पैदा हुआ हो चाहे ऑस्ट्रेलिया में,
कहीं भी पैदा हुआ हो, बशर्ते है इन दो में से ही। अभी तक देवों का स्वभाव ही विस्तार से कहा गया, अब असुरों के स्वभाव को मुझसे विस्तार पूर्वक सुन। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुरा न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। हे अर्जुन, असुर लोग कार्यं कर्म में प्रवृत्त होने और अकर्तव्य कार्य से निवृत्त होना भी नहीं जानते, इसलिए उनमें न शुद्धि रहती है, न आचरण और न सत्य ही रहता है। उन पुरुषों के विचार कैसे होते हैं? असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम हेतुकम। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहते हैं कि जगत आश्रय रहित है, सर्वथा झूठा है और बिना ईश्वर के अपने आप स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है, इसलिए केवल भोगों को भोगने के लिए है, इसके सिवाय और क्या है। एताम् दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिता। इस मिथ्या दृष्टिकोण के अवलंबन से जिनका स्वभाव नष्ट हो चुका है, वे मंद बुद्धि अपकारी क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत का नाश करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। काममाश्रित्य दुष्पूरम दंभमान मदान्विताः मोहाद् गृहीत्वात् सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। वे मनुष्य दंभमान और मद से युक्त हुए, किसी भी प्रकार पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके अशुभ तथा भ्रष्ट व्रतों से युक्त हुए संसार में बरतते हैं। वे व्रत भी करते हैं किंतु भ्रष्ट हैं। चिंताम परिमेयांच प्रलयांतामुपाश्रिताः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिताः। वे अंतिम श्वास तक अनंत चिंताओं को लिए रहते हैं और विषयों को भोगने में तत्पर वे बस इतना ही आनंद है ऐसा मानते हैं। उनकी मान्यता रहती है कि जितना हो सके भोग संग्रह करो, इसके आगे कुछ नहीं है। आशा पाश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायणाः ईहन्ते काम भोगार्थम् अन्यायेनार्थ संचयान्। आशा रूपी सैकड़ों फांसियों से, एक फांसी से ही लोग मर जाते हैं, यहां सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए काम क्रोध के परायण विषय भोगों की पूर्ति के लिए वे अन्याय पूर्वक धनादिक बहुत से पदार्थों को संग्रह करने की चेष्टा करते हैं, अतः धन के लिए वे रात दिन असामाजिक कदम उठाया करते हैं। आगे कहते हैं, इदमद्यमया लब्धम
इमं प्राप्से मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। वे सोचते हैं कि मैंने आज ये पाया है, इस मनोरथ को प्राप्त करूंगा, मेरे पास इतना धन है और फिर भी इतना हो जाएगा। असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो हमहं भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। वो शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और दूसरे शत्रुओं को भी मैं मारूंगा। मैं ही ईश्वर और ऐश्वर्य का भोगने वाला हूं, मैं ही सिद्धियों से युक्त बलवान और सुखी हूं। आढ्यो भिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिश्य इत्यज्ञानविमोहिताः। मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूं, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूंगा, मैं दान दूंगा, मुझे हर्ष होगा। इस प्रकार के अज्ञान से वे विशेष मोहित रहते हैं। क्या यज्ञ दान भी अज्ञान है? इस पर श्लोक 17 में स्पष्ट किया है। इतने पर भी वे नहीं रुकते, बल्कि अनेक भ्रांतियों के शिकार रहते हैं। इस पर कहते हैं, अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च। अनेक प्रकार से भ्रमित हुए चित्त वाले, मोहजाल में फंसे हुए, विषय भोगों में अत्यंत आसक्त वे आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य अपवित्र नरक में गिरते हैं। आगे श्री कृष्ण स्वयं बताएंगे कि नरक क्या है। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमानमदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेना विधि पूर्वकम्। अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले, धन और मान के मद से युक्त होकर वे घमंडी मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से यजन करते हैं। क्या वही यज्ञ करते हैं जैसा श्री कृष्ण ने बताया है? नहीं, उस विधि को छोड़कर करते हैं, क्योंकि विधि योगेश्वर ने स्वयं बताया है, अध्याय 4:24-33 तथा अध्याय 6:10-17 तक। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। वे दूसरों की निंदा करने वाले, अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध के परायण हुए पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी परमात्मा से द्वेष करने वाले हैं। शास्त्र विधि से परमात्मा का सुमिरन एक यज्ञ है। जो इस विधि को त्याग कर नाम मात्र का यज्ञ करते हैं, यज्ञ के नाम पर कुछ न कुछ करते ही रहते हैं, वे अपने और दूसरे के शरीर में स्थित मुझ परमात्मा से द्वेष करने वाले हैं। लोग द्वेष करते ही रहते हैं और बच भी जाते हैं। क्या ये भी बच जाएंगे? इस पर कहते हैं, नहीं। तानहं द्विषतः क्रूरान्
संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। मुझसे द्वेष करने वाले उन पापाचारी क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में निरंतर आसुरी योनियों में ही गिराता हूं। जो शास्त्र विधि को त्याग कर यजन करते हैं वे पाप योनि है, वही मनुष्यों में अधम है, इन्हीं को क्रूर कर्मी कहा गया है, अन्य कोई अधम नहीं है। पीछे कहा था ऐसे अधमों को मैं नरक में गिराता हूं, उसी को यहां कहते हैं कि उन्हें अजस्र आसुरी योनियों में गिराता हूं, यही नरक है। साधारण जेल की यातना भयंकर होती है और यहां अनवरत आसुरी योनियों में गिरने का क्रम कितना दुखद है। अतः दैवी संपद के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्त्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यथ माम गतिम्। कौन्तेय, मूर्ख मनुष्य जन्म जन्मांतरों तक आसुरी योनि को प्राप्त हुए मुझे न प्राप्त होकर पहले से भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, जिसका नाम नरक है। अब देखें नरक का उद्गम क्या है। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयं त्यजे। काम, क्रोध और लोभ, ये तीन प्रकार के नरक के मूल द्वार हैं। ये आत्मा का नाश करने वाले, उसे अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतः इन तीनों को त्याग देना चाहिए। इन्हीं तीनों पर आसुरी संपद टिकी हुई है, इन्हें त्यागने से लाभ। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति पराम गतिम्। कौन्ते, नरक के इन तीनों द्वारों से मुक्त हुआ पुरुष अपने परम कल्याण के लिए आचरण कर पाता है, जिससे वो परम गति अर्थात मेरे को प्राप्त होता है। इन तीनों विकारों को त्यागने पर ही मनुष्य नियत कर्म करता है, जिसका परिणाम परम श्रेय है। यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। जो पुरुष उपर्युक्त शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से बरतता है वो न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही प्राप्त होता है। अर्थात वो शास्त्र इदं गुह्यतमं शास्त्रम्, गीता स्वयं पूर्ण शास्त्र है, जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने बताया है। तस्माच्छास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। इसलिए अर्जुन, तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कि मैं क्या करूं क्या न करूं, इसकी व्यवस्था में शास्त्र ही एक प्रमाण है। ऐसा जानकर शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म को ही तुझे करना योग्य है।
अध्याय 3 में भी योगेश्वर श्री कृष्ण ने नियतम कुरु कर्म त्वम, नियत कर्म पर बल दिया और बताया कि यज्ञ की प्रक्रिया ही वो नियत कर्म है और वो यज्ञ आराधना की विधि विशेष का चित्रण है जो मन का सर्वथा निरोध करके शाश्वत ब्रह्म में प्रवेश दिलाता है। यहां उन्होंने बताया कि काम, क्रोध और लोभ नरक के 3 प्रमुख द्वार हैं। इन तीनों को त्याग देने पर ही उस कर्म का अर्थात नियत कर्म का आरंभ होता है, जिसे मैंने बार बार कहा जो परम श्रेय परम कल्याण दिलाने वाला आचरण है। बाहर सांसारिक कार्यों में जो जितना व्यस्त है उतना ही अधिक काम, क्रोध और लोभ उसके पास सजा सजाया मिलता है। कर्म कोई ऐसी वस्तु है कि काम, क्रोध और लोभ को त्याग देने पर ही उसमें प्रवेश मिलता है, कर्म आचरण में ढल पाता है। जो उस विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से आचरण करता है उसके लिए सुख सिद्धि अथवा परम गति कुछ भी नहीं है। अब कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही एकमात्र प्रमाण है, अतः शास्त्र विधि के ही अनुसार तुझे कर्म करना उचित है और वो शास्त्र है गीता। निष्कर्ष। इस अध्याय के आरंभ में योगेश्वर श्री कृष्ण ने दैवी संपद का विस्तार से वर्णन किया, जिसमें ध्यान में स्थिति, सर्वस्व का समर्पण, अंतःकरण की शुद्धि, इंद्रियों का दमन, मन का शमन, स्वरूप को स्मरण दिलाने वाला अध्ययन, यज्ञ के लिए प्रयत्न, मन सहित इंद्रियों को तपाना, अक्रोध, चित्त का शांत प्रवाहित रहना इत्यादि 26 लक्षण बताए, जो सब के सब तो इष्ट के समीप पहुंचे हुए योग साधना में प्रवृत्त किसी साधक में संभव है, आंशिक रूप से सब में है। तदनंतर उन्होंने आसुरी संपद में प्रधान 4-6 विकारों का नाम लिया, जैसे अभिमान, दंभ, कठोरता, अज्ञान इत्यादि, और अंत में निर्णय दिया कि अर्जुन, दैवी संपद तो विमोक्षाय, पूर्ण निवृत्ति के लिए है, परम पद की प्राप्ति के लिए है, और आसुरी संपद बंधन और अधोगति के लिए है। अर्जुन, तू शोक न कर, क्योंकि तू दैवी संपद को प्राप्त हुआ है। ये संपदाएं होती कहां है? उन्होंने बताया कि इस लोक में मनुष्यों के स्वभाव 2 प्रकार के होते हैं, देवताओं जैसा और असुरों जैसा। जब दैवी संपद का बाहुल्य होता है तो मनुष्य देवताओं जैसा होता है, और जब आसुरी संपद का बाहुल्य होता है तो मनुष्य असुरों जैसा है। सृष्टि में बस मनुष्यों की 2 ही जाति हैं, चाहे वह कहीं पैदा हुआ हो, कुछ भी कहलाता हो। तत्पश्चात उन्होंने आसुरी स्वभाव वाले मनुष्यों के लक्षणों का विस्तार से उल्लेख किया। आसुरी संपद को प्राप्त पुरुष कर्तव्य कर्म में प्रवृत्त होना नहीं जानता और अकर्तव्य कर्म से निवृत्त होना नहीं जानता। वह कर्म में जब प्रवृत्त ही नहीं हुआ तो न उसमें सत्य होता है, न शुद्धि और न आचरण ही होता है। उसके विचार में जगत आश्रय रहित बिना ईश्वर के अपने आप स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है, अतः केवल भोग भोगने के लिए है, इससे आगे क्या है? यह विचार कृष्ण काल में भी था, सदैव रहा है। केवल चार्वाक ने कहा हो ऐसी बात नहीं है। जब तक जनमानस में दैवी आसुरी संपद का उतार चढ़ाव है तब तक रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, वे मंद बुद्धि वाले पुरुष सबका अहित अर्थात कल्याण का नाश करने के लिए ही जगत में पैदा होते हैं। वे कहते हैं, मेरे द्वारा यह शत्रु मारा गया, उसे मारूंगा। इस प्रकार अर्जुन, काम क्रोध के आश्रित वे पुरुष शत्रुओं को नहीं मारते, बल्कि अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ परमात्मा से द्वेष करने वाले हैं। तो क्या अर्जुन ने प्रण करके जयद्रथादि को मारा? यदि मारता है तो आसुरी संपद वाला है, उन परमात्मा से द्वेष करने वाला है।
जबकि अर्जुन को श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा कि तू दैवी संपद को प्राप्त हुआ है, शोक मत कर। यहां भी स्पष्ट हुआ कि ईश्वर का निवास सबके हृदय देश में है। स्मरण रखना चाहिए कि कोई तुम्हें सतत देख रहा है, अतः सदैव शास्त्र निर्दिष्ट क्रिया का ही आचरण करना चाहिए, अन्यथा दंड प्रस्तुत है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने पुनः कहा कि आसुरी स्वभाव वाले क्रूर मनुष्यों को मैं बारंबार नरक में गिराता हूं। नरक का स्वरूप क्या है तो बताया, बारंबार नीच अधम योनियों में गिरना एक दूसरे का पर्याय है, यही नरक का स्वरूप है। काम, क्रोध और लोभ नरक के तीन मूल द्वार हैं। इन तीनों पर ही आसुरी संपत्ति टिकी हुई है। इन तीनों को त्याग देने पर ही उस कर्म का आरंभ होता है जिसे मैंने बार बार बताया है। सिद्ध है कि कर्म कोई ऐसी वस्तु है जिसका आरंभ काम, क्रोध और लोभ को त्याग देने पर ही होता है। सांसारिक कार्यों में मर्यादित ढंग से सामाजिक व्यवस्थाओं का निर्वाह करने में भी जो जितने व्यस्त हैं, काम, क्रोध और लोभ उनके पास उतने ही अधिक सजे सजाए मिलते हैं। वस्तुतः इन तीनों को त्याग देने पर ही परम में प्रवेश दिलाने वाले निर्धारित कर्म में प्रवेश मिलता है। इसलिए मैं क्या करूं क्या न करूं, इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। कौन सा शास्त्र? यही गीता शास्त्र। किमन्यई शास्त्र विस्तरई है। इसलिए इस शास्त्र द्वारा निर्धारित किए हुए कर्म विशेष अर्थात यज्ञार्थ कर्म को ही तू कर। इस अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने दैवी और आसुरी दोनों संपदाओं का विस्तार से वर्णन किया, उनका स्थान मानव हृदय बताया, उनका फल बताया। अतः ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशो अध्याय। इस प्रकार स्वामी अड़गड़ानंद कृत श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य यथार्थ गीता का 16वां अध्याय पूर्ण होता है। हरिओम तत्सत्।